हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो जैसे कि फ्रेंड्स, आप लोगों ने देखा ही होगा मेरा व्लॉग जो है मैंने स्टार्ट कर दिया था। थोड़ा बहुत मेरा काम जो था सुबह का हो गया था, लेकिन मैं सुबह वीडियो शूट नहीं कर पाई फ्रेंड्स। तो ये जो वीडियो मैंने स्टार्ट किया, ये मैंने रात को स्टार्ट किया था। मॉर्निंग में थोड़ा मुझे काम था, मैं बाहर थी, तो इसके लिए मैं मॉर्निंग का कोई भी वीडियो शूट नहीं कर पाई। तो रात का जो वीडियो है मैंने सोचा चलिए मैं आपको आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो रात के खाने में बना रही हूँ फ्रेंड्स मैं टमाटर का चटनी और मटर पुलाव। तो जैसे कि आपने देखा होगा कि मैंने अभी जो है टमाटर की चटनी को तड़का तो लगा दिया था, सिंपल सा फ्रेंड्स। उसमें मैंने तेल ऑयल डाल के, उसमें थोड़ा सा जीरा राई डाल के, उसमें लहसुन और प्याज डाल के उसको अच्छे से भूज लिया। उसके बाद फिर मैंने उसमें टमाटर कट करके डाला था, 6 से 7 टमाटर मैंने ले लिया था। तो एक तरफ अभी मेरा टमाटर का चटनी बन रहा है, दूसरी तरफ फ्रेंड्स मैं यहाँ पे बना रही हूँ मटर पुलाव। तो बहुत ज़्यादा कुछ सामान नहीं है मेरे पास अभी, तो मैं सिंपल सा जो सिंपल तरीके से मटर पुलाव बना रही हूँ। तो जैसे आप देख सकते हैं मैं किस तरह से बना रही हूँ, आप भी घर में ट्राई कर सकते हैं फ्रेंड्स। अगर आपके घर में भी बहुत सारा सामान नहीं है, थोड़े से सामान में भी आप अच्छा मटर पुलाव बना सकते हैं। जैसे कि मैं बना रही हूँ, मैं आपको दिखा देती हूँ और बता भी देती हूँ कि कैसे बनाना है। तो जैसे कि मैंने पतीले में तेल डाल दिया था, उसमें थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा राई और यहाँ पे 2 से 3 लाल मिर्च मैंने ले ली है। और प्याज मैंने सामने देख सकते काट के रख दिया था। एक तरफ मैं टमाटर की चटनी को भी चला रही हूँ बार बार क्योंकि नीचे ना लग जाए इस वजह से। तो यहाँ पर देख सकते फ्रेंड्स, अभी मैंने इसमें डाल दिया है लहसुन। लहसुन के बाद अभी प्याज मैं बाद में डाल दूँगी। अब यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, मटर रखा था मैंने छील के, तो उसी को मैंने ले लिया है। मटर को मैं 2 से 3 पानी से धो लूँगी। यहाँ पे मैंने भी प्याज जो है उसमें डाल दिया है। अब इसको अच्छे से आपको मिक्स कर लेना है। जब ये ब्राउन कलर का हो जाएगा तो फ्रेंड्स, तो प्याज जो है अच्छे से भूज जाएगा। अब मैं यहाँ पर डाल रही हूँ मटर, जो मटर को मैंने 2 से 3 पानी से अच्छे से धो लिया था। ये फ्रेश मटर है फ्रेंड्स, मार्केट में मेरे पापा ले आए थे, तो फ्रेश वाला मटर मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। तो अब इसको मैं अच्छे से भूजने दूँगी। जब मटर अच्छे से हल्का हो जाएगा, उसके बाद फिर इसमें हम लोग डालेंगे चावल। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरा जो टमाटर का चटनी है वो अच्छे से पक चुका है। तो अब मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़ा सा लाल मिर्च, थोड़ा सा हल्दी, इसमें थोड़ा सा मैं डालूंगी फ्रेंड्स धनिया पाउडर। ये जो धनिया पाउडर है ये मैंने घर में ही बनाया था। और ये नमक स्वादानुसार आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। धनिया पाउडर का अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो मैंने इससे पहले जो वीडियोस डाली थी वहाँ पे आपको ये धनिया पाउडर का रेसिपीज मिल जाएगा कि कैसे आपको धनिया पाउडर घर पर ही बनाना है। तो अभी मैं उसको अच्छे से मिक्स करके ढक दी हूँ। अब मैं यहाँ पे जो मैंने मटर डाल दिए थे उसको अच्छे से चला लूँगी। जब ये अच्छे से हल्के हो जाएंगे, फूट जाएंगे, जब मटर जो है फूटने लगते हैं ना तो अच्छे से पक जाते हैं। अब यहाँ पे फ्रेंड्स मैं ले रही हूँ चावल, यहाँ पे मैंने 2 प्लेट चावल ले लिया है। अब इसको मैं अच्छे से 2 से 3 पानी से अच्छे से वॉश कर लूँगी। यहाँ पर अभी मैं ये जो चावल मैंने धो लिए हैं, अब मैं मटर में इसमें ऐड कर दूँगी। तो फ्रेंड्स, बहुत दिन हो गया मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं किया है। एक्चुअली थोड़ा काम के चक्कर में थोड़ा समय नहीं मिल पाता था, इसके लिए मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं किया है। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। और फ्रेंड्स प्लीज़ सपोर्ट करें, आपके सपोर्ट की मुझे काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने जो चावल है उसको डाल दिया है। अब इसको मैं अच्छे से चला लूँगी और अभी मैं इसको ढक के रख दूँगी। देख सकते हैं चटनी मेरी एक तरफ हो चुकी है। अभी मैंने इसको मूंद के रख दिया था, थाली के ऊपर पानी डाल दिया था। थोड़ा सा पानी जो है गर्म हो चुका था, तो मैंने अभी चावल में पानी डाल दिया है। अब मैं इसको अच्छे से चला लूँगी, उसके बाद इसमें पानी डाल के इसको ढक दूँगी, तो ये स्टीम पे अच्छे से पक जाएगा। तो जैसे फ्रेंड्स मैं आप लोगों से बात कर रही थी कि थोड़ा सा आप लोग फ्रेंड्स प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, मुझे आप लोगों के सपोर्ट की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप सपोर्ट करेंगे तो मेरे लिए काफ़ी अच्छा होगा। और फ्रेंड्स, अगर आपके सपोर्ट से अगर किसी का भला होता है तो ऐसा सपोर्ट ज़रूर करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करती हूँ आप लोग अगर वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें।
तो यहाँ पे मैंने इसमें नमक भी ऐड कर दिया है। मैं कोशिश तो बहुत करती हूँ फ्रेंड्स वीडियोस अपलोड करने की। यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स जो रेसिपीज़ था मैं पूरा आपको दिखा नहीं पाई क्योंकि बच्चों ने खाना स्टार्ट कर दिया था, तो सॉरी फ्रेंड्स जो भी आपने देखा उसके लिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स मैंने ये दूसरे दिन का वीडियो शूट किया है, उस दिन का मैंने और रात का जो है खाने का मैं शूट नहीं कर पाई, आधा जब खाने के बाद मैंने शूट किया। यहाँ पे जो है मॉर्निंग में जब उठी थी सब बर्तन वर्तन झाड़ू पोछा होने के बाद, चाय पीने के बाद, फिर बाद में मैंने सोचा चलिए थोड़ा मशीन में कपड़ा लगा देती हूँ, तो ये उसके बाद का वीडियो है चाय नाश्ता होने के बाद का। तो ये दूसरे दिन का वीडियो मैंने इसमें ऐड किया है क्योंकि मैं लगातार वीडियो शूट नहीं कर पा रही थी। यहाँ पे देख सकते हैं जो भी क्लोथ है मैंने सब कपड़े जो है मैंने मशीन में डाल दिए हैं फ्रेंड्स। तो एक्चुअली क्या होता है एक साथ मैं हाथ से नहीं धो पाती हूँ तो इसके लिए मैं मशीन में लगा देती हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं बच्चों के भी दो दो दिन के कपड़े हो गए थे। थोड़ी मेरी तबीयत भी ठीक नहीं रहती है जिसकी वजह से मैं हाथों से कपड़ा धोना मैं बहुत ही कम धोती हूँ हाथों से कपड़ा। यहाँ पे मैंने सारे जो कपड़े हैं डाल दिए हैं। अब इसमें 2 चम्मच में डाल दूँगी निरमा पाउडर और अभी इसमें पानी ऑलरेडी मैंने रात को ही रख दिया था, जब पानी भर रही थी तभी मैंने पानी इसमें ऐड कर दिया था। थोड़ा सा पानी कम था तो मैंने पानी और थोड़ा सा दो दो बाल्टी पानी इसमें और डाल दिया है। तो अभी मैंने इसको मशीन को तो चालू कर दिया। फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं सुबह के जो बर्तन मैंने धोए थे उसको मैं मांडने के ऊपर रख दे रही हूँ जो सूख गए हैं, क्योंकि फिर बाकी का जो काम है मुझे करने के लिए आसान हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से जो बर्तन होते हैं मैं रात को ऐसे ही रख देती हूँ। इससे क्या होता है रात को सुबह मतलब जैसे ही धोती हूँ पलटी करके रख देती हूँ जिससे कि पानी निकल जाता है बर्तन से, तो मांडने के ऊपर आराम से आप रख सकते हैं। तो सुबह मैंने इसको जब धोया तो मैंने पलटी कर दिया था, इसमें का जो पानी है वो अच्छे से सूख चुका था। तो देख सकते हैं सब बर्तन मैंने उठा के रख दिए फ्रेंड। अब मैं फ्रेंड जा रही हूँ खाना बनाने के लिए। तो खाने का जैसे मैंने आपको पहले भी बता दिया था दोपहर का खाना जो है सिंपल सा दाल चावल ही बनता है, तो आज भी मैं बना रही हूँ दाल चावल। अभी यहाँ पे जो थोड़ा सा गैस के वटे पे थोड़ा सा कुछ गिरा था तो मैंने सोचा चलिए साफ कर लेती हूँ। क्या होता है ना बच्चे लोग भी रहते हैं तो हाथ वाथ लगा देते जिसकी वजह से बार बार गैस के ऊपर कुछ ना कुछ गिरता रहता है, तो मैं उसको क्लीन करते रहती हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने क्लीन कर लिया है। अब यहाँ पर मैं ले रही हूँ 2 प्लेट चावल। 2 प्लेट चावल इसलिए फ्रेंड 2 प्लेट चावल में हम लोगों का 4 जन का आराम से हो जाता है क्योंकि चावल जो है अच्छे से फूल जाते हैं पकने के बाद, तो आराम से हम लोगों को पूज जाता है उसमें से भी बच जाता है। तो यहाँ पे जो रात का जो चावल बचा था फ्रेंड्स मैंने डब्बे में निकाल लिया था सुबह बर्तन धोने से पहले। फिर यहाँ पर जो है मैं अभी इसको कुकर में गर्म कर लूँगी। यहाँ पर मैंने कुकर ले लिया उसमें प्लेट डाल दिया है, उसके बाद इसमें मैं पानी ऐड कर दूँगी जो नीचे पानी डालती हूँ कुकर में। अब इसमें जो है मैं वो जो डब्बे में चावल रखा था उसको रख रही हूँ। अब मैं इसको 2 सीटी होने दूँगी और जब अच्छे से गर्म हो जाएगा तो फिर इसको दोपहर के खाने में हम लोग खा लेंगे। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तो चलिए मिलती हूँ कोई नई वीडियो में। बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।